আসছে? আমি গৌতম কুমার সিংহ বলছি, বসরা থেকে এসেছি, উত্তর দিনাজপুর জেলা করণদিঘি থানা থেকে। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, মুসলমান হলে কি গোমাংস খেতেই হবে? মানে ব্যাপারটা হচ্ছে, এই প্রশ্নটার উত্তর আমি আগে পেয়ে গেছি। দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে, মুসলমান হলে কি খাতনা করতেই হবে? যদি না খাতনা করি এবং গোমাংস খাই, তাহলে কি মুসলমান হতে পারবো না? উনকা সওয়াল থা কি আগর কোই মুসলমান হুয়া তো উসকে লিয়ে কিয়া গাই কা গোশত খানা জরুরি হ্যায়, এক সওয়াল। আর দুসরা সওয়াল উনকা থা কি মুসলমান হোনে কে বাদ কিয়া উসকো খতনা করনা জরুরি হ্যায়, এ দো সওয়াল। মেয়ে বঙ্গালি নেহি জানতা হুন লেকিন সওয়াল সমঝ গিয়া। স্যার আমি বাংলায় বলছি। গিয়া গায় কোই সমঝ গিয়া, মেরে বঙ্গালি টিভি কে উপর ডাবিং আতি লোক সমঝতে বঙ্গালি জানতা হুন মে, লেকিন এ সওয়াল সমঝ গিয়া মে আলহামদুলিল্লাহ। ভাই সাহেব কা সওয়াল হ্যায় কি মুসলমান বননে কে লিয়ে কিয়া গায় কা গোশত খানা জরুরি হ্যায় और खतना करना जरूरी है क्या? ये पहला सवाल मैं जवाब दे चुका हूँ कि गाय का गोश्त खाना फर्ज नहीं है। अगर आपको पसंद है तो खा सकते हैं, नहीं पसंद तो नहीं खाइए, फर्ज नहीं है। आप एक 100% अच्छे मुसलमान बन सकते शाकाहारी होने के बाद भी, फर्ज नहीं है। यहाँ तक दूसरा सवाल है कि खतना करना जरूरी है। खतना करना एक अहम सुन्नत है, सुन्नत मौकेदा है, अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि अगर मैं खतना नहीं करूं तो मुसलमान बन सकता हूं, हाँ बन सकते हैं। खतना करना अच्छी बात है, उससे कई फायदे हैं। मैं मेडिकल डॉक्टर हूं, उससे कैंसर ऑफ पीनस नहीं हो सकता है, उसमें फाइमोसिस नहीं हो सकता है, कई अच्छी चीजें हो सकती है, कई फायदे हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई इंसान डरता है और कहता है कि मैं खतने की वजह से अगर इस्लाम नहीं कबूल करना चाहता हूं, क्या मैं इस्लाम कबूल कर सकता हूं? कर सकते हैं। आप विदाउट खतना करके भी इस्लाम कबूल कर सकते, कम अज कम इंशाल्लाह शरीक से बचेंगे। भाई साहब कैसे आप क्या इस्लाम कबूल करना चाहते? सर हम सोचेंगे। सर सोचेंगे? हाँ सर सोचिए, और जब यकीन आ जाएगा खुदा एक के उसके अलावा कोई माबूद नहीं, और जब यकीन आ जाएगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, तो इंशाल्लाह आप उस इरादे को अमल में ला सकते।